प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत देते हैं। बीज बोने वाला सब तरफ अपने बीज बिखेरता है। बीज प्रभु का वचन है और जिस भूमि पे वो डालता है वो हमारा मन है। कुछ वचन सड़क पे गिरते हैं, कुछ वचन पत्थरों पर, कुछ वचन कांटों के बीच में गिरते हैं और कुछ वचन अच्छी भूमि पर। जो वचन सड़क पे गिरते हैं उसमें कोई जड़ नहीं होती, अभी वो वचन को समझे भी नहीं होते, उससे पहले उसका नाश हो जाता है। शैतान की नज़र उसी पे होती है क्योंकि वो अभी वचन को समझे भी नहीं होते और उनका उद्धार हो उसी से पहले शैतान उस पे नज़र गाड़े हुए होता है कि कब वो वचन को समझे और ग्रहण करे और उद्धार पाए, उससे पहले ही शैतान उसको खत्म कर देता है। जो बीज पत्थर में गिरे वो तुरंत ही निकल जाते हैं पर उनमें जड़े नहीं होती, तो जैसे ही कोई परीक्षण आता है वो तुरंत ही फेल हो जाते हैं और वो मुरझा जाते हैं क्योंकि वहां कोई जड़ नहीं होती, उनको कोई पानी नहीं मिलता और वो खत्म हो जाते हैं और उनको बढ़ना या फल आना ये आगे बन ही नहीं पाता। जो बीज कांटों के बीच में गिरे वो बड़े तो होते हैं और शुरुआत अच्छी करते हैं पर जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके आसपास संसार की चिंताएं, प्रलोभन, वासना और सारी ही जगिक बातें उन पे हावी हो जाती है और वो फल दे उससे पहले ही बड़े ना हो पाए और नाश हो जाते हैं। पर जो अच्छी भूमि पर गिरे वो उन अंदर तक जाते हैं और जड़ बनाते हैं और जमीन से अपने ऊपर तक उठते हैं और बहुत फल लाते हैं और आनंद से बड़े होके धीरज से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और कोई 30 गुना तो कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है।